नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति का आज एक और आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही असरदार, बहुत ही कारगर उपाय है, ठीक है। बहुत ही आसान सा उपाय है जिसको आप करके अपनी कोई भी मनोकामना को बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो क्या है वो उपाय, ज़्यादा देर ना करते हुए आपके साथ में शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं आए दिन आप लोगों के साथ में इसी तरह के उपाय टोटके शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये है सोमवार को करने वाला उपाय, ठीक है। ये एक बहुत ही उपयोगी उपाय है। आपको क्या करना है सोमवार के दिन, ठीक है, सोमवार के दिन आपको व्रत रखना है, ठीक है। ये आपको लगातार 5 सोमवार करना है, 5 सोमवार के आपको व्रत करना है। व्रत ऐसे करना है जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार, आप चाहें तो एक टाइम फलाहार करें, आप चाहें तो दोनों टाइम फलाहार करें, और आप चाहें तो एक टाइम पूरी भरी थाली खाना भी खा सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है। व्रत से यहाँ पर ये मतलब है कि व्रत वाले दिन आपको, मतलब एक ही बैठक पे आपको जो भी खाना है वो खा ले। ऐसा नहीं है कि दिन भर जैसे चलते फिरते खाते रहते हैं ना, ऐसे नहीं खाना है। अपने विचारों को शुद्ध रखना है। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ कि सोमवार का व्रत किस विधि से करना है जिसके वजह से आपकी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। सोमवार को जैसे ही आप सवेरे उठते हैं, कोशिश करें कि आप जल्दी उठ जाएं, 6 बजे 7 बजे के बीच में आप उठ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उठते सही अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन लें, ठीक है। उसके बाद में सोमवार के पूरे दिन में, ठीक है, दिन में एक बार आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, महादेव के मंदिर जाना है, पूरे दिन में एक बार जाना है, ठीक है। अब मंदिर जाते समय आपको अपने साथ में कुछ सामग्री लेके जाना है, जैसे 5 आटे के दीपक, ठीक है। आपको मंदिर जाते समय अपने साथ में घर से 5 आटे के दीपक बनाकर ले जाना है, 1 धतूरा ले जाना है। अब धतूरा कहाँ मिलेगा, तो धतूरा जनरली फूल वाली जो दुकान होती है वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर किसी ऐसे जगह पर रहते हैं तो झाड़ियों में वगैरह में यहाँ पर धतूरे आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको 1 धतूरा और 5 दीपक लेकर जाना है आटे के, ठीक है। और साथ में अपने प्रसाद आप चाहें तो ले जाएं, आपको या आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप जितना प्रसाद जो भी घर से ही ले जाएं, चाहे शक्कर ले जाएं या फिर जो भी कुछ मीठा प्रसाद आप साथ में ले जाएं, ठीक है। अब आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, वहां पर आपको भोलेनाथ को प्रसाद अर्पण करना है। ये जो धतूरा है ये भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करना है, और उसके बाद में वहीं पर बैठ के आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। वो है, मंत्र का जाप करने से पहले आप जो 5 दीपक लेकर गए हैं उन 5 दीपक में से आपको 3 दीपक वहीं पर प्रज्वलित करना है, मतलब वो 3 दीपक 5 में से 3 दीपक आपको वहीं पर जलाना है, ठीक है। वहीं पर उन 3 दीपकों को जला दें। जलाने के बाद में आपको दीपक, मतलब जैसे दिया जलाते हैं ना, बत्ती रख के वैसे जलाना है, ऐसा नहीं है कि वाटर के दीपक को जला दें, दीपक आपको 3 जलाना है। उसके बाद में आपको मन ही मन में 108 बार एक मंत्र का जाप करना है, जो कि मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको 108 नंबर यूँ याद ना रहे तो आप अपने साथ में एक माला ले जाएं, पूरी माला में 108 मोती होते हैं, 108 बार आप इसका जाप कर लेंगे, मतलब आपको पूरी एक माला करना है। माला करने के बाद में आप अपनी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ के सामने कहें, अपनी जो इच्छा है वो भोलेनाथ के सामने प्रकट करें कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं ये जो विधि कर रही हूँ, ये जो व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। जो भी आपकी मनोकामना है आप वहाँ पर बताएं, भगवान को नमन करके प्रसाद अर्पित करके, और जो 2 दीपक हैं वो आपको अपने घर पे लेकर आना है, अपने साथ में लेकर आना है। जब आप अपने घर लौटते रहेंगे तो रास्ते में जो भी तिराहा या चौराहा पड़ता है, जो भी तिराहा या चौराहा पड़े, 1 दीपक को आपको उस तिराहे पर या चौराहे पर जला देना है, ठीक है। 1 वहीं पर आपको जलाना है। तो ये काम आप सवेरे जितनी जल्दी करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर दिन का समय हो जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लोगों की आना जाना वहाँ रहता है, तो ये करने में हमें थोड़ा संकोच होता है, इसलिए आप जल्दी समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 दीपक तिराहे पर जला दें और 1 दीपक आप अपने घर पर लेकर आए,
और अपने घर के बाहर जो आपका मेन दरवाजा है, मेन गेट है, वहां पर एक दीपक आपको जलाना है सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, मतलब जब आप घर के बाहर खड़े रहेंगे, बाहर से सीधे हाथ की तरफ आपको उस दीपक को जलाना है। ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ, जब हम बाहर की तरफ खड़े रहेंगे तो जो सीधा हाथ पड़ेगा वहां पर आपको उस दीपक को जला देना है। अब अंदर आप वहां जलाकर और आप अपने अंदर आ जाए, अंदर आने के बाद में अपने घर के जो भी आपके नित्य कर्म है, जो भी काम है वो करें, और दिन में जो व्रत की विधि होती है, जैसा भी आपको व्रत आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से वो करना है। सिर्फ शुद्ध रखना है अपने विचारों को, दिन भर आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपने मन में अच्छा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, मतलब इस तरह से आपको व्रत करना है। ठीक है, ऐसा लगातार आपको 5 सोमवार करना है। ठीक है, सिर्फ 5 सोमवार करना है। इन 5 सोमवार के अंदर ही आप देखेंगे आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। वैसे तो इस उपाय को करने से, इस विधि को करने से 1 या 2 सोमवार में ही आपको फर्क दिख जाएगा, 1 या 2 सोमवार में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, नहीं तो 5 सोमवार के अंदर अंदर तो पूरी हो ही जाएगी। आप इसे करके जरूर देखें। जब हमारी कोई मनोकामना होती है ना, तो उसको पूरा करने के लिए हम हर उपाय करते हैं, हर चीज करते हैं, जो मतलब प्रयास होते हैं। कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, जब हम मालूम है कि डूबने ही वाले तो हर तरफ से हाथ पैर फेंकते हैं। तो ये वाली चीज भी आप करके देखें, ये उपाय कीजिए, और साथ में उस कर्म को, वो जो आपका मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए जो कर्म करना है वो आप कीजिए। आप खुद देखेंगे आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलती जाएगी। तो आप इसे कीजिए और फिर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आप मुझे कमेंट करके शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस विधि में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। और भी अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति करने के टोटके अगर देखना चाहते हैं, तो आपको लगातार आई बटन पर लिंक मिलते आए हैं वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ लिंक मिलेंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप कोई और भी समस्याओं से परेशान है, घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कलेश है, घर में पैसा नहीं आता है, ऐसे कुछ भी अगर कलेश से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की जो स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट, स्पिरिचुअल प्लेलिस्ट आप देखें, वहाँ पर आपको कई सारे टोटके, कई सारी विधियाँ, कई सारे उपाय मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।